अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जवेरियस वेरी स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ शहदाज खान की वीडियो। और शहदाज खान जो है शदाब खान की वाइफ के बारे में कह रही हैं, और उन्होंने एक वीडियो में कहा था उनको हिजाबन, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। जो कि शदाब के जो फैंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया और बहुत ज़्यादा ने शहदाज खान को बुरा भला कहा और कहा कि वो जैसी भी हैं और बहुत अच्छी हैं और आपसे बेहतर हैं और भी बहुत सारी बातें कही। इसी बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, एंग्री होकर एक छोटी सी क्लिप्स उन्होंने बनाई है, जो कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा वो कितने गुस्से में है। और शहदाज खान की लैंग्वेज का भी आप लोगों को अंदाज़ा है वो कैसे बात करती हैं, और साथ ही उनकी ड्रेसिंग का भी आप लोग जानते हैं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेसेस पहनती हैं। शहदाब खान की वाइफ को आप सभी जानते हैं, वो हमेशा पर्दों में आती है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी भी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। शहदाब खान की वाइफ को उन्होंने हिजाबन कहा है और लोग बहुत गलत समझ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय कॉमेंट सेक्शन में लाजमी रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। सुने इनकी बातें सुनना और फिर आगे बकवास करना मुझे बिल्कुल शौक नहीं है किसी के भी पर्दे पे बोलने का। सब अपना अपना करते हैं, मैं अपना करती हूँ, दूसरे अपना करते हैं, ठीक है? तो इतने तड़क रहे भड़क रहे हैं ना आप लोग, सबसे अच्छा ये है कि आप लोग जो है ना आराम से हो जाए। और दूसरी बात ये कि झूठे दंगे फसाद फैलाना बंद करें। वैसे ही पाकिस्तान में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दें, सही है? क्योंकि आप लोग को शौक है हर चीज़ में जाके आग लगाने का, ये तो बात मुझे पता है। तो आप हर चीज़ में आग ही लगाते हैं, इस चीज़ में भी आप लोग आग ही लगा रहे हैं। तो आग में ना तेल डालना कम कीजिए, ठीक है, और अपने अपने कामों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं भी देना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सदा के फारिग हैं, तो सदा के फारिग ही रहें। और दूसरी बात ये कि झूठ नहीं बोले कि मैंने किसी के पर्दे के ऊपर बात की। मैंने किसी के भी पर्दे के ऊपर बात नहीं की। हाँ, अगर आपको वो वर्ड बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं आप लोग से सॉरी कहती हूँ कि भाई वो गलती से वर्ड मेरे मुंह से निकल गया था, उस पर मैं सॉरी कहती हूँ। मैंने हिजाबन बोला था, ठीक है? तो हिजाबन इट्स अ नॉर्मल वर्ड, इसको कोई गाली, उसको आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गाली दे दी या मैंने किसी के हिजाब के ऊपर बात कर दी, ठीक है? मुझे पता है किस चीज़ की कितनी वैल्यू और किस चीज़ की कितनी वैल्यू नहीं है, ओके? तो ना ही मैंने किसी के हिजाब के ऊपर बात की है और ना ही मैंने किसी को गाली दी है। जो फिजूल के लोग जिनका कोई वास्ता वूस्ता भी नहीं है, वो भी बीच में बहती गंगा में जो है ना टपक के हाथ धो रहे हैं। अरे भाई, कब तक कर लोगे, कब तक कर लोगे? मैं मिसाल दूँ, फिर एक मिसाल दूंगी ना तो फिर आग लगेगी आप लोगों को। तो खुदा का वास्ता अपने अपने घरों के मसलों पर ज़्यादा ध्यान दिया करें। दूसरों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, किसने किसके लिए क्या बोल रहा है, आप लोगों ने शहदाज खान की वीडियो में सुना होगा शहदाज खान क्या कह रही हैं। और आप लोग और भी बहुत सारी बातें कह रही हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ उनकी वॉइस में लगा के शेयर कर दूँगी। लाजमी सुने, कॉमेंट्स में लाजमी बताएँ वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मेरा काम तो समझाना, मैंने समझा दिया। अब इस चीज़ को भी आप लोगों ने लेना, शहदाज ने आके जो है ना कहना हमें वीडियो बनाई, हमें बुरा भला बोला, हमें गालियाँ दी। मुझे पता है आप लोगों की मैंटेलिटी।